हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के टिग्रवाल, और आज अपन एक वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स का एक टॉपिक, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जिसका पार्ट मैंने फर्स्ट बना भी दिया था पहले, और नहीं देखा तो अपन लास्ट वीडियो जो है वो देख सकते हो आप लोग, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जिसके अंदर मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था। क्योंकि इसके दो एग्जाम्पल ये विशेष तौर से हैं, लॉन और एक मेरा विलेज जलापा, जिसके अंदर खास तौर से जो क्वेश्चन है CSIR नेट में या किसी भी एग्जाम के अंदर खास तौर से पूछे जाते हैं। तो इसका जो आज का एग्जाम्पल रहेगा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, वो किसका रहेगा? मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा, जिसे अपन 4O क्लॉक प्लांट के नाम से भी जानते हैं। और एक एक्स्ट्रा नाम अपन देखें तो जेनेटिक मॉडल जेनेटिक मॉडल ऑफ प्लांट या मॉलिक्यूलर एक्सपेरिमेंट, जो मोस्टली एक्सपेरिमेंट जो किए जाते हैं प्लांट्स के अंदर, वो किसके ऊपर किए जाते हैं? मिराबिलिस जलापा। तो एक ये एक्सपेरिमेंट का एक मॉडल प्लांट भी है, जिसे जेनेटिक मॉडल प्लांट के नाम से भी जानते हैं, या मॉलिक्यूलर मॉडल प्लांट या जेनेटिक मॉडल प्लांट। इसे 4O क्लॉक कहते हैं। 4O क्लॉक का कहने का जो कारण है वो क्या है? क्योंकि इसके अंदर, तो ये जो प्लांट है, इस प्लांट को अपन जेनेटिक मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इस प्लांट की जो स्टडी है वो की गई है किसके अंदर? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की स्टडी करने के लिए। और इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस देखते हैं अपन कि जो ये प्लांट है मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा की जो ब्रांच है लीफ है, उनके अंदर कुछ कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, वेरिएटेड कैरेक्टर। मतलब कुछ अलग अलग कलर के जो पैचेज हैं वो दिखाई देते हैं। जैसे इसके अंदर अपन देखें कि प्लांट के जो सूट है या जो लीफ है, उनके अंदर एक तो वेरिएटेड कलर दिखाई देता है, सेकंड अपन देखते हैं कि कुछ जो है वो कैसी दिखाई देती है, प्योर ग्रीन कलर की होती है ब्रांचेज। थर्ड जो देखते हैं, कुछ जो होती है उनके अंदर वाइट कलर के पैचेज देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि इस प्लांट में कुछ वेरिएटेड कैरेक्टर या डिफरेंट कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। कुछ के अंदर वेरिएटेड कैरेक्टर मतलब पैचेज, कुछ के अंदर ग्रीन्स और कुछ के अंदर वाइट। तो इनसे जो फ्लावर बनते हैं, उनके अंदर भी ये कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, उनके अंदर भी इस प्रकार के जो कैरेक्टर है वो देखने को मिलते हैं। और ये जो सभी कैरेक्टर हैं वो कैरेक्टर डिसाइड किए जाते हैं जो प्लांट है, तो प्लांट का जो सीधा सा है, प्लांट का क्लोरोप्लास्ट, DNA, मतलब इसका जो सेल ऑर्गेनल है उसके अंदर सेल ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो DNA प्रेजेंट होता है, वो DNA इसमें क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है। DNA के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट का DNA, उसमें अंदर क्या होता है? म्यूटेशन होता है। जैसे सबसे पहले कोई भी एक स्टेम है, उस स्टेम में किसी भी प्रकार का म्यूटेशन नहीं है, तो नॉर्मल अपन क्या कह सकते हैं? क्लोरोप्लास्ट DNA, नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट DNA है। सभी जो स्टेम की लीव्स और फ्लावर्स होंगे वो कैसे होंगे, मतलब खास तौर से जो ब्रांचेज होंगी वो कैसी होगी? ग्रीन ब्रांचेज,
ग्रीन ब्रांचेस देखने को मिलेगी, लेकिन अगर इनमें क्लोरोप्लास्ट डीएनए म्यूटेंट है, अगर उसमें किसी प्रकार का म्यूटेशन देखने को मिलता है तो वो क्लोरोफिल जो है उसको प्रॉपर रूप से फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। नॉट सिंथेसिस, क्लोरोफिल नहीं सिंथेसिस होगा तो वहाँ पर जो है वो कौन सा कलर आएगा, वाइट कलर की ब्रांचेज, उन ब्रांचेज में कौन सा कलर आएगा, वाइट कलर की ब्रांचेज आएंगी। दूसरी कंडीशन में माइटोकॉन्ड्रियल ये मतलब क्लोरोप्लास्ट डीएनए में म्यूटेशन अगर कब हो, जायगोट बनाए सपोज पहले, उस जायगोट से सपोज कितनी सेल बनी है, 8 से 16 सेल, इस स्टेज में अगर म्यूटेशन हो, इस स्टेज में म्यूटेशन हो क्लोरोप्लास्ट डीएनए, क्लोरोप्लास्ट डीएनए म्यूटेशन हो तो सभी सेल्स में तो म्यूटेशन पॉसिबल नहीं है, म्यूटेशन सभी सेल्स में पॉसिबल नहीं है तो म्यूटेशन इन सम सेल्स, इन फ्यू सेल्स, कुछ सेल्स में म्यूटेशन होगा, जिन सेल्स में म्यूटेशन होगा वो वाइट और जिन सेल्स में म्यूटेशन नहीं होगा वो ग्रीन। तो इस प्रकार से ये जो करेक्टर हैं वो उस ब्रांच में करेक्टर दिखाई देंगे वेरिगेटेड, वेरिगेटेड जो करेक्टर हैं वो दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से तीन कलर यहां पर दिखाई देते हैं, एक तो वेरिगेटेड कलर, एक ग्रीन कलर और एक वाइट कलर, मतलब किसी में अगर जायगोट में म्यूटेशन हो तो सभी सेल कैसी होगी, ऑल सेल म्यूटेटेड, सभी सेल कैसी होगी, म्यूटेटेड होगी, और पूरा कंप्लीट जो ब्रांच है वो कैसी होगी, वाइट होगा, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल का सिंथेसिस होगा ही नहीं तो वहाँ पर वाइट, और किसी में म्यूटेशन नहीं होता है तो वहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो कैसी दिखाई देगी, वो ग्रीन मतलब ग्रीन कलर के जो हैं वो लीफ या ब्रांचेस का फॉर्मेशन किया जाता है। ये जो सभी कैरेक्टर हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, क्लोरोप्लास्ट के डीएनए की, और क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए है वो कहाँ से आता है, क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, कम फ्रॉम ओवम या एग, ये साइटोप्लाज्म हमेशा कहाँ से आता है, एग से आता है। अगर क्लोरोप्लास्ट डीएनए नॉर्मल, अगर क्लोरोप्लास्ट नॉर्मल डीएनए होगा तो उसमें प्रोजेनी कैसी होगी, प्रोजेनी भी कैसी होगी, नॉर्मल होगी। यदि क्लोरोप्लास्ट म्यूटेटेड होगा तो प्रोजेनी भी म्यूटेटेड होगी, मतलब म्यूटेटेड का मतलब है वहाँ पर वेरिगेटेड करेक्टर्स हैं या वाइट कलर के करेक्टर्स हैं वो दिखाई देते हैं। तो जैसा जो करेक्टर फीमेल का होगा वही करेक्टर क्या होगा, प्रोजेनी का होगा, चाहे मेल का करेक्टर कैसा भी रहा होगा। तो इस प्रकार से अपन एक डायग्राम बनाएं, जैसे ये सपोज अपन एक एग बनाते हैं, यहाँ पर क्या है, एक एग है, और इस एग से फर्टिलाइजेशन करेंगे अपन मेल को अपन क्या कराते हैं, फर्टिलाइज कराते हैं, फीमेल सेम रहेगी,
इस प्रकार से, इस प्रकार से तीन करेक्टर हैं तो तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं अपन। और सबसे पहले अपन देखते हैं जो एग है वो एग कैसा है। इधर तो इस पोर्शन को तो अपन ग्रीन कलर ले लेते हैं, ग्रीन ब्रांच है फीमेल की, इधर फीमेल की वाइट ब्रांच है, इधर फीमेल की वेरीगेटेड है। ये फीमेल के करेक्टर हैं तीन। अब इसको अगर अपन देखें मेल के तीन करेक्टर अपन यूज में लेते हैं इस प्रकार से, ये जो ग्रीन कलर की फीमेल है या ग्रीन कलर की जो ब्रांच है इसके साथ मेल को फर्टिलाइज करवाते हैं, जिसके अंदर एक मेल कैसा है ग्रीन है, दूसरा कैसा है वाइट है, और तीसरा कैसा है वेरीगेटेड है। तो इसके साथ में ये क्या है मेल है, ये मेल है। इनके साथ अगर क्रॉस कराएंगे, चाहे वेरीगेटेड के साथ क्रॉस कराओ, चाहे वाइट के साथ क्रॉस कराओ, और चाहे वेरीगेटेड और चाहे ग्रीन के साथ, ओवरऑल जो फिनोटाइप आएगा वो कैसा आएगा, जैसा फिनोटाइप फीमेल का होगा ग्रीन, ग्रीन ब्रांच, तो ये इसकी फिनोटाइप आएगा। सेम इसी प्रकार से किसी भी फीमेल को किसी भी मेल के साथ में क्रॉस करवा दिया जाए तो जो फीमेल का करेक्टर होगा, जैसे यहाँ पर वाइट कलर की ब्रांचेज है जिसका फीमेल है, और उसको तीनों प्रकार के मेल से क्रॉस करवाते हैं, तो ओवरऑल जो फिनोटाइप आएगा वो कैसा आएगा, वाइट प्रकार का फिनोटाइप देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर वेरीगेटेड है तो यहाँ पर इसका भी वेरीगेटेड देखने को मिलेगा, इसके साथ भी वेरीगेटेड देखने को मिलेगा, इसके साथ भी वेरीगेटेड देखने को मिलेगा। जरूरी नहीं है फीमेल अगर ग्रीन है, मतलब मेल अगर ग्रीन है तो ग्रीन आएगा, ग्रीन नहीं आएगा, क्योंकि फीमेल वेरीगेटेड है तो इनका करेक्टर भी कैसा आएगा, वेरीगेटेड आएगा। तो ये कंडीशन रहेगी। मेल कैसा भी हो कोई रोल प्ले नहीं करता है, जैसा फीमेल होगा या फीमेल का क्लोरोप्लास्ट होगा म्यूटेटेड है या नॉर्मल है, जैसा कलर फीमेल का होगा वही कलर अगर प्रोजेनी में आता है तो इसका मतलब जो प्रोजेनी है उसमें जो करेक्टर आ रहा है वो करेक्टर कहाँ से आ रहा है, साइटोप्लाज्म से आ रहा है, और ये जो इनहेरिटेंस है वो किस प्रकार की है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस प्रकार की साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है। तो ये इसका एग्जाम्पल था। ऊपर मैंने कारण बता दिया आपको, अगर जायगोट में म्यूटेशन होता है तो सभी सेल्स में म्यूटेशन होगा और वो ब्रांच कैसी बनाएगी, वाइट प्रकार की ब्रांच बनाती हैं। आगे अपन एक एग्जांपल देखें सेम इसी का, वेरीगेटेड का, जैसे फिनोटाइप ऑफ ब्रांच, फिनोटाइप ऑफ ब्रांच 1, 2, 3, तीन प्रकार के ब्रांच ली है आपने। जैसे अपन यहाँ पर देखें, पहली है वाइट ब्रांच, सेकंड है ग्रीन ब्रांच, थर्ड है वेरीगेटेड ब्रांच। अब अपन देखते हैं, ये तो है फेनोटाइप ब्रांच ऑफ फीमेल, आगे अपन देखते हैं फिनोटाइप ऑफ मेल ब्रांच, फिनोटाइप मेल ब्रांच, मेल की ब्रांच कैसी है। यहाँ पर हो सकता है
वाइट हो, ग्रीन हो या फिर वेरीगेट हो। सेम इसी प्रकार से इसकी जो ब्रांच होगी ये भी कैसी होगी, सेम होगी। इसकी जो ब्रांचेज हैं वो भी कैसी होगी, सेम होगी। लेकिन जो फिनोटाइप ऑफ प्रोजेनी आएगा, फिनोटाइप ऑफ प्रोजेनी, फिनोटाइप का जो प्रोजेनी आएगी उनकी प्रोजेनी कैसी आएगी, फर्स्ट वाले की तो वाइट आएगी, सेकंड वाले की ग्रीन आएगी और थर्ड वाले की कैसी आएगी, वेरीगेटेड आएगी, ग्रीन आएगी और कुछ वाइट आएगी। ये सभी करेक्टर देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो फीमेल है वो कैसी थी, पहले से ही वेरीगेटेड थी। अगर फीमेल वेरीगेटेड है तो कुछ तो ब्रांचेज बनेगी वो वेरीगेटेड बन जाएगी, कुछ ग्रीन बन जाएगी और कुछ वाइट बन जाएगी। मतलब तीनों करेक्टर जो हैं वो उसके अंदर देखने को मिलेंगी इस प्रकार से। तो ये जो करेक्टर था वो एक मिराबिलिस जेलापा का एक एग्जाम्पल था। तो यहाँ पर अपना ये जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है ये भी अपना एक, दोनों एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो गए हैं। पहले वीडियो के अंदर मैंने बताया था आपको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का लोन जो ह्यूमन के अंदर पाया जाता है करेक्टर, लोन डिजीज, और ये जो करेक्टर है वो किसके अंदर देखने को मिलता है, मिराबिलिस जेलापा को देखने को मिलता है। इसके अलावा जो मेज है, मेज के अंदर भी जो मेल स्टेरिलिटी है वो देखने को मिलती है, और मेल स्टेरिलिटी जो है वो भी किसका करेक्टर है, जैसे अपन यहाँ देखें यहाँ पर अपन करेक्टर देखें, मेल स्टेरिलिटी इन मेज, मेज के अंदर मेल स्टेरिलिटी जो है वो भी किसके कारण से होती है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एक एग्जाम्पल है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एक एग्जाम्पल है। और मेल स्टेरिलिटी को अपन कहते किसे हैं कि जब फीमेल, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है वो नॉन फंक्शनल हो, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल गैमेट पोलन ग्रेन नॉन फंक्शनल, मतलब उसमें फर्टिलाइजेशन करने की कैपेसिटी नहीं हो, तो उस प्रकार के जो मेल गैमेट है वो कैसे कहलाते हैं, मेल स्टेरिलिटी प्रकार के कहलाते हैं, नॉट फर्टिलाइज टू फीमेल, नॉट फर्टिलाइज टू एग, एग को फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी नहीं होती है, उसके अंदर उतनी कैपेसिटी या उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है कि वो फीमेल को फर्टिलाइज कर सके। तो इस प्रकार के जो पोलन ग्रेन है या एंथर होते हैं उनमें किस प्रकार की कमी आती है, किस प्रकार का जो करैक्टर होता है, तो ये करैक्टर जो है वो खास तौर से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेस्पॉन्सिबल, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो करैक्टर है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, इसमें क्या होता है, म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन होने के कारण से, इसमें अपन कहें म्यूटेशन होने के कारण से नॉट प्रोड्यूस्ड एटीपी और एनर्जी,
एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा, और एनर्जी का जो प्रोडक्शन होगा तो अपन कहें मेल गैमिट नोट प्रॉपर डेवलप्ड, प्रॉपर रूप से वो डेवलप नहीं हो पाएंगे और वो कैसे रह जाएंगे नॉन फंक्शनल। उनमें पूरी कैपेसिटी नहीं होगी कि वो किसी फीमेल को फर्टिलाइज कर सके। तो यहाँ पर एक मैच का कैरेक्टर है जो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल है। हालांकि इसको रोकने के लिए एक रीस्टोर जीन पाया जाता है जो न्यूक्लियस के अंदर रीस्टोर जीन रीस्टोर फैक्टर जो है वो पाया जाता है किसके अंदर, न्यूक्लियस, मेज के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, जो इसको कहीं ना कहीं इसको रोकने के लिए या फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है रीस्टोर फैक्टर। आगे अपन देखें जो एक एग्जांपल है, जैसे अपन एग्जांपल देखें पैरामेशियम, पैरामेशियम में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है सिंबायोटिक बैक्टीरिया, एक सिंबायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो हमेशा एक साइड से अगली पीढ़ी के अंदर ट्रांसफ़र होता है, जिसका नाम है सूडोबैक्टर। सूडोबैक्टर कह सकते हैं या इसे सूडोमोनास सूडोमोनास ओराइजिनोसा ओरिजिनोसा, ये एक एग्जाम्पल है इस बैक्टीरिया का जो इसके अंदर पाया जाता है और फर्टिलाइजेशन के दौरान अगली पीढ़ी के अंदर क्या होता है ट्रांसफ़र होता है। और ये जो बैक्टीरिया है वो एक टॉक्सिन रिलीज करता है, रिलीज टॉक्सिक या टॉक्सिन, जिसे अपन पैरामेसिन के नाम से जानते हैं, पैरामेसिन। ये हमेशा अगली पीढ़ी के अंदर ट्रांसफ़र होता है और एक पैरामेशियम से दूसरे पैरामेशियम में हमेशा बने रहते हैं। तो ये भी एक साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का, इसको न्यूक्लियस के साथ कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता है। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार नोट्स जो बनाकर इस प्रकार के जो वीडियो हैं वो आपको कैसे लगते हैं, क्या आपके लिए सूटेबल हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये किस प्रकार का समझ में आता है। नोट्स बनाकर अगर अपन इस प्रकार से बनाकर लिखते हैं तो साथ साथ आप लिख भी सकते हो इसमें, और पूरी डिटेल आपके नोट्स बनते रहेंगे। तो यहाँ पर अपना वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।